दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर हम लेक्चर नंबर टू में, आज हम चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर टू कर रहे हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों हम कर रहे हैं F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस ACCA नॉलेज लेवल पहला पेपर और उसका पहला चैप्टर और उसका दूसरा लेक्चर। उम्मीद है कि आपने यू मस्ट हैव सीन माय लास्ट लेक्चर एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई वी डिफरेंशिएट, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ अ बिजनेस और व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट देर शुड बी, यू नो, देर शुड बी अ गोल ऑब्जेक्टिव, देर शुड बी अ मोटिव बिहाइंड दैट एंड ऑल पीपल शुड do the work together for a common goal and there should be a control and performance. And in the last lecture we have also discussed what are the benefits of an organization. So in today's lecture, aaj ke is lecture mein main dosto aaj baki jo baatein hamari learning objectives ki reh gayi hain main aaj unko cover karunga. Aaiye ek baar dekh le ki hamare paas kya kya reh chuka hai. In the last lecture, you know, we have started with this chapter number 1, the purpose and types of business organizations. These are the learning objectives which we have to do. तो बेटे हमने ये कर लिया, डिफाइंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, what are the common features of business organization and how business organization differ, outline the how they are differ. आज हमने ये parts cover करने हैं, what are the different types of business organizations, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वट आई मीन बाय NGO, वट आई मीन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वट आई मीन बाय कोऑपरेटिव. सो ऑल दैट आज बड़ा मजा आने वाला, वी विल बी डिस्कसिंग, विल बी एंजॉइंग विद द लेक्चर. प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स, आप सभी अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लें. आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है. मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रो लेक्चर में बताया था यू शुड हैव, यू नो, एक स्टडी मटेरियल इधर कैप्लन और PBB. कैप्लन ले लें तो ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं. एंड दो मार्कर्स, येलो एंड ऑरेंज. देखिए मेरे पास अभी भी मार्कर्स हैं, मैं हमेशा मार्कर्स अपने पास रखता हूँ. एक रजिस्टर सेपरेट, यू शुड हैव अ सेपरेट रजिस्टर. एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू शुड सिट स्ट्रेट ऑन द टेबल एंड चेयर, नॉट लाइंग ऑन योर बेड. इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए, I can show you, bet you, that you will be getting the more better concepts. So let's start with the journey. So today my main logic will be, I will be starting with that what are the, you know, types of business organizations. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आज लेक्चर नंबर टू स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मेरा टेक्निक वही वाला रहने वाला है. मैं पहले फर्स्ट स्टेप नंबर वन, आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रोज द एग्जाम्पल्स विच यू जनरली सी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग विद द कंसेप्ट प्लस रियल लाइफ examples. Step number two will be, you will be writing down my handwritten slides. I will be giving you my own handwritten slides. आपको वो लिखने, आपको अपने registers में लिखने. And step number three will be, आप क्या करेंगे, step number three में we will be revising all the concepts with the help of PPT, PowerPoint presentations. And then along with that we will practice some MCQs. And at last we will be doing with a workbook, worksheet, all the questions which are related with practice with the relation related with chapter number one. तो आइए let's start with the journey. Now before I start with, I again want to tell you, we have discussed what is the meaning of business organization, what is the meaning of, what are the benefits of organization, what are the features of organization. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट करने वाला हूं. तो लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माय डियर फ्रेंड्स, एज पर study text, as per ACCA learning outcome, as per learning objective, I can divide types of organizations into two parts. मैं organizations को दो parts में divide कर सकता हूँ. I can divide them either on the basis of motive or I can also divide them on the basis of control. I repeat my golden words, I can divide my organizations either on the basis of control or on the basis of motives.
or on the basis of motives. So please write down on the basis of controls or on the basis of motives. These are the two broad areas. When I say motive, I can have, you know, I can have a profit motive or I can have not a profit motive, not a profit motive. These can be two motives, you know. One is I can have a profit motive and second is I can have a non-profit motive also. Non-profit motive also. I can have a profit motive or a non-profit motive. When I say a profit motive, this type of motive, you know, I will say these organizations are named as commercial organizations. I repeat, मैं अपनी बात को दोबारा रखूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि types of organizations दो तरह की होती हैं. दो तरह की होती हैं जी types of organizations. One is, I can divide them into two parts. One is on the basis of motive. And second is on the basis of control. So when I say on the basis of motive, there can be two types of motives. One is profitable motive and second is non-profitable motive. When I say profitable, main unko bolunga, those are commercial organizations. And which are not for profitable, I will say not profitable organizations. NGOs. Non-profitable organizations, not for profit. NFPs. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. व्हेन आई से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आप जस्ट थोड़ा सा सुनिएगा. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपके सामने बात करता हूँ नेस्ले, मैं आपके सामने बात करता हूँ अमूल. इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ डाबर इंडिया, इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ यू नो अवंती मोपे, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ टोयोटा मोटर्स, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. Because they have the objective to earn profit. They want to earn profit. So these are named as commercial organizations. But they're, whether they actually earn profit or not, unko actually mein profit ho ya na ho, it hardly matters. Ye important nahi hai that whether they are actually earning profit or not. But the point is they have the motive. So this is very important for MCQ. If they have the objective to earn the profit, they will be treated as commercial organizations and an actual profit is immaterial. Similarly, if I say non-profitable organizations, NPOs, non-profitable, hospitals, they are for not profitable, schools, they are not run by for profitable objective, but still they can have profit. I repeat, actual profit is not important. Rather, the motive, the intention, the objective is important. So if I divide the organizations on the basis of intention, I can say there are two types of organizations. One is commercial organization and second is non-profitable organization. When I say commercial organization, and the next category, you know, I will be dividing on the basis of control. When I say control, I can say, you know, when I say control, I will say this as private control, public control, or government control. So I can have public control, or I will say the government control or private control. So this is private control. When I say private control, it means it is being run by public, either by a person, either by individuals, or by a group of people. When I say government control, it means the government organizations. Iska matlab government organizations usko control kar rahi hain. Aap baat ko samajh pa rahe hain? मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशंस को हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस में और एक कंट्रोल के बेसिस में. ऑब्जेक्टिव के बेसिस में दो ब्रांचेस बन सकती हैं. एक प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव हो सकता है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव हो सकता है. प्रॉफिटेबल को हम कमर्शियल बोलेंगे और नॉन प्रॉफिटेबल को हम ये बोलेंगे दे आर जस्ट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड आई कैन ऑल्सो डिवाइड माई ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. If I say it is being controlled by central government, it is being controlled by national government, it is being controlled by state government, or it is being controlled by government organization, it means it has a government control. You're getting my point? So the point is, if those organizations we calculate on the basis of
control, not on the basis of profit. Profit should not be the criteria while dividing the government or the private organizations. No doubt government organizations can also have profit. BHEL ka naam suna aapne, NTPC ka naam suna aapne, DCM ka naam suna aapne, hamari Delhi mein, India mein, Mother Dairy. All these organizations are government organizations and they are earning huge profit. So while differentiating whether that is a government or not, profit is not the benchmark on the basis of which I will divide that this is private or this is public. Even government organizations can earn profit. The benchmark is the control, that whether they are being controlled by the public or whether they are being controlled by the government. Now, I am switching over to next point. मैं अपनी नई बात में आ रहा हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने अभी अभी बताया commercial organizations के बारे में बताया. Commercial organizations are those organizations whose objective is to earn profit. जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. नाउ आई एम कमिंग कि इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस किस किस वे में आ सकती हैं, इन विच फॉर्म, यू नो, व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ ओनरशिप, व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ यू नो ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन कम अंडर द हेड कमर्शियल. आई कैन हैव यू नो सोल ट्रेडर. मैं भी हम बताऊंगा आपको, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने रजिस्टर में बिल्कुल अपनी यू नो स्पाइनल कॉर्ड, योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी वेरी स्ट्रेट. आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठना है, टेबल चेयर में बैठना है, नोट करना है. और मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं अपोलो टायर्स की बात करूंगा, MRF टायर्स की बात करूंगा, मैं गूगल में जाऊंगा, मैं विकिपीडिया की बात करूंगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ownership in the commercial organizations. So one can be sole owner, second can be you know partnership bhi ho sakti hai, and within partnership we can have two types of partnership. One is normal partnership and second is LLP, limited. Aap sabne naam suna hoga, limited liability partnership. Then I can have a private limited company, then I can have a public limited company. So we will be discussing with these five types within commercial organization. Sabhi ke plus minus hain, all have benefits and losses, benefits and negatives. So we will be discussing with that what I mean by sole trader. Now when I say a sole trader, hope you remember in the last lecture I have to given you example of you know a trader, tea vendor Ram, Mr. Ram, he is running his own tea stall with a single ownership. If an entity has a only one owner, ek hi owner hai agar, to main kahunga that is named as sole trader. No doubt he has kept different employees also. Ek se jyada log hone compulsory hain, then only it will be regarded as a organization. Ye baat main last class mein aapko clear kar chuka hu. Two or more than two collectively joined together for achieving that common goal with control and performance, that is named as organization. So sole trader means ek single owner hai. Ram is a single owner and he has kept 2-3 employees or even one employee, then I will say that is a sole trader. Now the point is in case of sole trader, because it is not regarded as a separate legal entity, sole proprietorship firm ka naam aap sabne BCom mein zarur suna hoga. That what can be the different forms of organizations. One can be sole proprietorship, second can be partnership, and then we can have limited liability partnership, we can have private limited company, we can have public limited company, public companies. So we will be discussing with these all that whether you what is the difference between sole proprietor, partnership, normal partnership, limited liability partnership, private limited company and a public limited company. तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं ना. मैं आपके सामने इस समय यह कहना चाहता हूं कि सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर हम उसको बोलेंगे हु इज द सिंगल ओनर एंड ही हैज ऑल द लायबिलिटी सपोजिंगली इन केस ऑफ एनी लॉस. यू नो सपोज करते हैं कोई लॉस हो गया, कोई डैमेज हो गया थर्ड पार्टी को, देन ही विल बी द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल to make that loss good to that third party. It means he is personally liable. Sole proprietorship firm mein sole proprietor personally liable hota hai us loss ko good karne ke liye. Aap meri baat ko samajh lijiye.
इसका मतलब ही विल हैव यू नो ही विल हैव ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, ही हैज टू टेक द रिस्क, ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. बट इन केस ही वॉन्ट्स टू हैव यू नो मोर कैपिटल, मोर पूल ऑफ रिसोर्सेज, मोर पूल ऑफ कैपिटल, देन ही कैन एंटर इन टू अ न्यू टाइप यू नो दैट इज नेम्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म्स. नो डाउट पार्टनरशिप फर्म का भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट स्टिल इट इज अ बेटर वर्जन एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर में देर इज वन ओनर, बट इन पार्टनरशिप फर्म देर कैन बी देर विल बी मोर देन वन ओनर, ए बी सी डी, देर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनर्स एंड दे कैन ब्रिंग देयर ओन कैपिटल, दे कैन ब्रिंग देयर ओन रिसोर्सेज एंड दे विल बी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल. They will be jointly responsible in case of any loss in that, you know, in that venture. Supposing कि कोई loss हो जाता है तो they will be severally personally responsible to make that loss as good. इसका मतलब it means they can have huge, you know, responsibility and risk for that. But if I say that they don't want to take the loss, अगर वो loss नहीं लेना चाहते, तो मैंने आपको कहा एक नया version आ चुका है market में, that is named as limited liability partnership. This is named as limited liability partnership. Hope you might have heard about this. That what I mean by limited liability partnership. Just have a look on this. Limited liability. As per Wikipedia, a limited liability partnership is a partnership in which some or all partners have limited liabilities. But in case of normal partnership firm, there is not a limited liability. There is an unlimited liability. So if the partners want to have or they want to enjoy the benefit of limited risk or a limited liability, then they can enter into a new concept in Europe, that is all over the world right now. आजकल तो पूरे वर्ल्ड में एक नया कंसेप्ट आ गया, उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसमें एज पर द नीड यू नो इन इंडिया मैक्सिमम 20 पीपल कैन बिकम द पार्टनर ऑफ दिस LLP, नॉट मोर देन 20. नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, किसी कंट्री में 20 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 30 हैं, बट हमारी इंडिया में देर आर ओनली मैक्सिमम 20 पीपल्स दोज हु कैन बिकम द पार्टनर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दैट एंटिटी. इट मीन्स LLP को अगर बनाना हो तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. पार्टनरशिप फर्म जो फर्म है, इट विल हैव अ सेपरेट एंटिटी, वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी. बट द पॉइंट इज पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी. जस्ट सी इन द विकिपीडिया, अ लिमिटेड पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स डिपेंडिंग अपॉन द जुरिसडिक्शन हैविंग लिमिटेड लायबिलिटीज, इट देयरफॉर एग्जिबिट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. Of partnership, it means limited liability exhibit the elements of partnership. It is no doubt a normal partnership with an additional clause that partners are not personally liable for that. आप सबने डिसोल्यूशन किया होगा पार्टनरशिप फर्म में, और डिसोल्यूशन में एक था इंसॉल्वेंसी का केस, और इंसॉल्वेंसी में था गार्नर वर्सेस मरे. तो थोड़ा सा याद कीजिए, इफ अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट देन अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स हैव टू मेक दैट लॉस गुड. But if it is a case of limited liability partners, the partners are not personally liable to contribute from their own capital. So that is named as, you know, limited liability partnership. Partnership Act. Now this act came from, you know, UK, United Kingdom mein aaya. That the first, this concept came from that UK. That what I did, the Partnership Act 1890 is an act of the Parliament of the United Kingdom which governs the right. No doubt this will not come in your, you know, exams, but for general understanding purpose, you should refer. आपको refer करना चाहिए कि Google क्या कह रहा है, और specifically Wikipedia is the best, you know, best source जहाँ से आपको you can get an idea. Now the point is, in Wikipedia I am given with what are the different types of organizations, what I mean by limited liability partnership, and then I will be telling you what I mean by non-government organization. अभी हम आते हैं. Now let's start. And I want that you should write down something. आइए थोड़ा सा हम पहले लिखें, फिर आगे चलेंगे. लेक्चर नंबर टू अकाउंटेंट इन बिजनेस सब्जेक्ट का नाम है. चैप्टर नंबर वन वी आर डूइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसके फाइव लर्निंग आउटकम्स हैं.
पांच लर्निंग आउटकम्स हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का. आज मेरा मेन पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस एंड टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग विद दिस चैप्टर एंड इन दिस पॉइंट यू नो विद इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई विल बी डिस्कसिंग विद द डेफिनेशंस एंड द डिफरेंसेस. मैं डेफिनेशंस और डिफरेंसेस की बात करूंगा. आइए अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए और फर्स्ट पॉइंट को लिखिए. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड. सबको लिखना है प्लीज, यू हैव टू राइट इट डाउन. आप सभी लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी को लिखना है. आप लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको. आइए हम सभी लिखेंगे. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. आई कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ईदर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स गोल. And I can have two types of goals. Aap please chart banaye, profitable goal and non-profitable goal. Okay? And on the basis of control. So control mein agar hum dekhenge, to ek to private sector aa jata hai, which is being controlled by public. Second is, which is being controlled by government. That is public sector. And third is cooperatives. So please, aap teen categories banaye. किस में बनानी है तीन कैटेगरीज? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. और हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग विद द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. विद इन प्राइवेट सेक्टर यू नो वी विल बी राइटिंग डाउन सोल ओनरशिप पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये सब लिखने वाले हैं. आप सब लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग डाउन. आई नो दैट यू आर माई स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन, देन ओनली इट विल बी यू नो एक्चुअली बेनिफिटिंग यू. नाउ when I say commercial organizations on the basis of motive, again I want to discuss in detail. मैं अब आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि अगर मैं मोटिव की बात करूं तो commercial organizations they have, or I can say profitable organizations or those organizations which have the objective to earn profit. तो लिखें commercial organizations with profit motive and not for profit, NFP, not for profit. तो पहले हम आ रहे हैं commercial organizations में. They must have the profit motive. This is important. I repeat, इनका profit motive होना compulsory है. Now whether they actually earn profit or not, it hardly matters. Actually में profit हो या ना हो वो matter नहीं करता, but objective तो था ना. So, लिखें, it is not necessary to have actual realizing profit. TCS, Tata Consultancy Services. Now, they are not realizing profit, it is immaterial, but they have the objective to earn profit. Tata Motors, TCS, Wipro, Apollo Tires, Lakshmi Cement. All these companies, they are commercial organizations and they have the profit objective as a motive. General Motors. मैं आ गया जी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनको ऐसा लगता है सब पैसे तो यहीं पे छोड़ के चले जाना है, कौन लेके गया ऊपर, सब यहीं पे छोड़ देंगे. सो देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, रादर टू गिव द सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज. नाउ दे कैन have actual profit, but their objective can is not to earn profit. For example, hospital की बात करें, healthcare की बात करें, hospitals, healthcare, schools, colleges, they don't have the objective to earn profit, but still while doing the activities, while doing the work, they can earn, they may have realized a profit. So that actual profit is not the criteria that whether it is a profitable or not. हमें ध्यान रखना है कि क्या उनका objective था profit earn करना. ठीक है जी, तो लिखे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट इज नो लॉन्गर अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है. इन एक्चुअल दे कैन रियलाइज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज नॉट अ क्राइटेरिया. स्कूल्स, बेटे स्कूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द स्कूल्स मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, रादर टू गिव द प्राइमरी एजुकेशन टू द पब्लिक एट लार्ज. हॉस्पिटल्स, to give the healthcare services to the public at large. So that is a non-profitable organizations, not for profit. तो हमने अभी डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के बेसिस में और दूसरा कंट्रोल के बेसिस में.
प्रॉफिटेबल में हमने कहा कमर्शियल एंड नॉट प्रॉफिटेबल. अब कमर्शियल में हाउ मेनी टाइप्स यू नो वी कैन हैव, यू वी कैन हैव इन कमर्शियल. इन कमर्शियल हाउ मेनी टाइप्स वी कैन हैव, मैं यहां पर आ गया हूं और अभी इसको देखेंगे. प्राइवेट सेक्टर में हमारे now it is, it will be better if you prepare this, you know, in commercial organizations. If I say commercial, I will write down commercial, better word rahega. Main likh raha hu yahan pe commercial organizations. Profit ko yahan se private sector ko thoda sa rub kar dete hain. Abhi dekhenge, I can also write down private sector, but better word is commercial organization. To aap sabhi likhein commercial organizations can have, you know, different types of, different forms. Now it can have different forms. Commercial organizations is of, can have different forms. Those forms I am going to discuss now. So, pehla form kya ho sakta hai? This can be a form. It means this can be a form. They can come in the sole tradership form. Okay. They can come in partnership forms. Okay. They can have form number 3 as limited liability. Okay. Within limited liability, they can have private limited companies or public limited companies. And within partnership, I will divide into two parts. मैं पार्टनरशिप को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा. एक तो नया कंसेप्ट जो आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स का, और एक नॉर्मल पार्टनरशिप. अभी हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस. आप प्लीज चार्ट प्रिपेयर करें. मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, आपको चार्ट प्रिपेयर करना कंपलसरी है. आप जितना लिखेंगे, जितना मेरी बातों को सुनेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ आएगा. इट इज जस्ट यू नो इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ यू डू दैट, यू नो. सो प्लीज राइट इट डाउन. आपको लिखना है, लिखने से क्या होगा, ज्यादा अच्छा है. तो मैं आपसे कह रहा हूं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है. एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकती है जहां पे एक ही ओनर है. अगर एक से ज्यादा ओनर होंगे तो हम कहते हैं दैट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म. बट पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी, जो पार्टनर्स होते हैं, दे डोंट हैव द लिमिटेड लायबिलिटी. तो एक नया कंसेप्ट आया, इफ there are maximum 20 partners and they want to bring capital and also they want to restrict their risk, they want to restrict their liability, then they can come up with a new form that is named as limited liability partnership. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो limited liability partnership और normal partnership में एक ही difference है. In both, partners are coming, they are contributing their capital, they are contributing their resources. But in a normal partnership firm, all the partners are individually also responsible to make that loss good. But in case of limited liability partnership, partners are not personally liable. You know, partnership firm is liable up to some extent, you know, but partners are not liable. But the limitation is maximum 20 people can become partners of LLP. In India ki baat kare. But supposedly if 25 people want to work together and all they want to bring 1 crore along with them INR, aur wo 25 log kaam karna chahte hain with the total worth of 25 crores as capital, then they cannot form, you know, LLP. They have to move to a private limited concept. So there are two types of companies I am talking with. If you are not, you know, financing your project by public money, if you are not getting the money from public, rather you are yourself contributing it. अगर आप अपने ही पैसे, वो partners अपने ही पैसे, एक एक करोड़ रुपए जो अगर है वो contribute कर रहे हैं और public से पैसे नहीं ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा उसका नाम है private limited company. And again, private limited company is a separate legal entity. बट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ आ गया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग. आप हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. बट द पॉइंट इज अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अ प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो लिमिटेड लाइबिलिटी में इफ यू डोंट वॉन्ट पब्लिक मनी, यू कैन स्टार्ट विद द प्राइवेट लिमिटेड, और आपके नाम के आगे लग जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, Rama Brothers Private Limited. So this can be the, you know, concept of limited liability partnership. But supposingly
You are growing like anything, and you want that public should also give you finance, you know, and you want to pick the funds from the public, either by form of shares or by debentures or by any mode. You are picking the money from, you are financing your project with the help of public money. Then you have to, you know, you have to name or you have to form a public limited company. So you are getting my point. Aap difference samajh rahe? Sole proprietorship, sole trader, partnership, normal partnership, limited liability partnership, private limited company and a public limited company. So in sab ke beech mein differences clear hone chahiye beta. Abhi hum likhenge aur iske upar MCQs bhi aate hain. Aaiye hum thoda sa aur dekhe. Aaiye please thoda sa likhenge beta. Sole trader. Sab ne likhna hai. Ek ek line likhni hai. Mujhe pata hai aapke Kaplan mein PBB mein diya hua hai. But still aapko likhna hai. Aap mere hai na. प्लीज लिखेंगे सोल ट्रेडर ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन. एक ही व्यक्ति ओन करता है और एक ही व्यक्ति रन करता है. ठीक है जी. इट मींस आई एम रनिंग माय ओन क्लासेस भूपेश एंड क्लासेस. आई एम द सोल ओनर बट आई कैन हैव अ फुल टीम ऑफ वर्कर्स अलोंग बिलो मी. सो आई एम रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन बट आई एम द सिंगल ओनर. सो आई विल से माय सेल्फ एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. तो आप लिखेंगे ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन. Own and run by one person. Now, second is partnership firm. Second form of commercial organization is partnership firm. When there are more than one partner, two or more than two, owned and run by two or more than two individuals. दो या दो से ज्यादा अगर वो run करता है तो उसको हम कहते हैं partnership firm. Partnership firm do not have a separate legal entity. It means all partners ko they are responsible for all the losses. So note one is very important, that why limited liability partnership concept comes into picture. This is very important, you know. You should know. आपको ये पता होना चाहिए कि normal partnership में क्या minus थे. What are the minus? What are the demerits? What are the negatives? What are the cons? So that you can understand why the new concept of limited liability partnership has come into picture. So note one, partnership firm do not have a separate legal entity. Now this is very important, that they do not have a separate legal identity from their owners. It means they are regarded as owners only. So, what will be there? What will happen in case of loss, in case of insolvency? वो आपने देखा होगा, in case of dissolution, specifically in case of insolvency, Garner versus Murray, there are three partners, Garner और Murray, और एक और भी था. ठीक है, तो ABC partnership firm, there are three partners, partner A, partner B, partner C, all are responsible for the loss, will be responsible for all losses. It means there is a huge risk. Now, if you want to minimize the risk, you can enter into concept of limited liability partnership. So, please write down note number two. In limited liability partnerships, partners will have limited liability. This is a major positive point. Partners will have the limited liability. Limited liability companies. Now the point is, you know, when I say a limited liability partnership, it can, you know, have maximum 20 persons as partners. But if you want to grow your business and you don't want public money, but you are more than 20, then you can enter into a new concept named as private limited company. Tab aap private limited company ke concept mein ja sakte hain aur aapko apne naam ke piche private limited likhwana padega. To aaiye, limited liability companies, a company has a separate legal entity to its owners. Now, I have just told you there is a case law named as Solomon versus Solomon. Ek private limited company ka alag se identity hota hai. Shareholders liability is limited to the amount. Maximum to the amount of share, you know, the amount. In case of loss, in case of liquidation. Agar partnership firm, agar in case of a liquidation of a private limited company, court cannot make liable those owners, those shareholders, because they are maximum liable to pay their amount of share capital, face value of the capital, not more than that. So this is a very big advantage, that in case of a private limited company or a public limited company, they have a, you know, limited liability. So aapne likh liya, shareholders liability is limited to the amount. Okay, they have invested. Okay.
ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके शेयर्स हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पब्लिक मनी को नहीं ले सकते. ओनली दोज इंडिविजुअल्स प्राइवेटली दे विल कॉन्ट्रीब्यूट एंड दे विल नॉट इन्वाइट मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओके, सो लाइक ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, नाम लिखिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड. Now, but if they want more public money, then they have to form, they have to convert a new entity. We are discussing what are the different types of organizations. Types of organizations can be bifurcated on the basis of profit motive or on the basis of control. When I say profit, I can say commercial organizations or not profitable organizations. When I say commercial, I can have different forms of ownership. One is sole trader, second is partnership, third is limited liability partnership, fourth is private limited company, fifth is public limited company. So we are on to public limited company. Share can be offered to the general public. If shares are offered to the general public and money is invited from them, so then that is named as public limited companies. For example, Maruti Suzuki Limited, Hero Honda Limited, Apollo Tyres, Lakshmi's Tyres Limited, Dabur India Limited, Nerolac Paints, Bangal Cement, all these companies are public limited companies because they have invited money from the public. आपको अब समझ आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में, नॉर्मल पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है. आइए आगे देखें. नेक्स्ट पॉइंट में हम आ गए, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल. सो वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिटेबल हमने डिस्कस कर लिया. अब हमारे नॉट प्रॉफिटेबल, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. No, they can have actual profit, that is as immaterial, but their objective is not to earn the profit. Hospitals, schools, their objective is not to earn the profit. NGOs, trade unions, employees unions, clubs, charities. So, ek bar chart banaye, not for profit, not for profit. Their main objective is not to earn profit. Schools, hospitals. नोट करेंगे, लिखेंगे प्लीज. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, चैरिटीज, ट्रेड यूनियंस, एनजीओस, एम्प्लॉय यूनियन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. एनजीओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजीओ. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, चैरिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सभी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, रादर टू गिव द सर्विसेज टू द पब्लिक. बट इन रियल लाइफ दे कैन अर्न प्रॉफिट. इस पे MCQ आ सकता है, ठीक है. अब हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लिखे आप पहले. NGOs, they does not have profit as a goal and not directing and not directly linked with government. So these are the two very important conditions. अगर ये दो conditions fulfill हो जाती हैं तो I will say it is a NGO. First point is they don't have any link with government and they don't have the objective of to earn profit. So these are the two very preconditions, being human Red Cross Society, Greenpeace. So all these are NGOs. ठीक है, होप आप लिख रहे हैं. मैं आ गया जी नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट पॉइंट फोर्थ में. या चलिए अभी थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हम इसमें पहले प्रैक्टिस कर लें, आइए हम एक बार प्रैक्टिस कर लें दोस्त. तो यहां पर थे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हमने डिस्कस किया कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट. हमने लिख लिया कमर्शियल का कमर्शियल है, आई हैव रिटन हैंड रिटन स्लाइड्स. सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विद लिमिटेड आफ्टर देयर नेम, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विद PLC आफ्टर देयर नेम. ठीक है,
एग्जाम्पल्स में नॉट फॉर अ प्रॉफिटेबल मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटीज, क्लब्स, दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. नाउ एक्चुअली दे कैन अर्न प्रॉफिट, वो एक इमेटीरियल है. तो मैं आगे आ रहा हूँ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस. सो बिफोर कमिंग टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, एक बार आप जस्ट देखें what is the difference between private sector and public sector. Hope aapne ye chart prepare kiya hoga. Control. Organizations can be divided on the basis of control. When I say on the basis of control, I can say private sector, public sector and cooperatives. Now private sector is being controlled by public. पब्लिक सेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स. तो अभी हमें इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है. प्राइवेट सेक्टर मैंने बता दिया आपको, तो अभी मैं आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर और अ पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट इज नॉट द बेंचमार्क, इट इज अ कंट्रोल विच मैटर्स. कि कंट्रोल किसके पास है वो मैटर करता है. ये प्रॉफिट है या नहीं वो इमेटीरियल है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, दैट इज इमेटीरियल. रादर द कंट्रोल, वेदर इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कॉमन मैन, वेदर इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पब्लिक और वेदर इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट देन इट इज अ पब्लिक सेक्टर. BHEL, NTPC, there are so many public sectors, for example, police, military, hospitals, that is being controlled by the government, government organizations. So that is aimed as public sector. But if it is being controlled by individuals or by group of individuals, I will say it is a private sector. So one of the most important point, the difference between, बेटे difference आता है कि private sector में और public sector में क्या difference है. तो आपको लिखना है there can be two broad categories of organizations on the basis of ownership or control, private sector and public sector. पब्लिक सेक्टर में लिखे हैं पहले provisions ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज. जो भी गवर्नमेंट की बेसिक सर्विसेज होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान और बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज, दैट इज द मेन वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंड दैट इज बीइंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो आप लिखें, आप प्लीज लिखें पब्लिक सेक्टर में पहले लिखें प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, पुलिस, मिलिट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर. इट मीन्स यहां पर नो डाउट हेल्थ नॉट प्रॉफिटेबल में भी आ गया, बट स्टिल यहां पर माय क्राइटेरिया इज नॉट प्रॉफिटेबल. माय क्राइटेरिया, माय बेंचमार्क इज नॉट टू बायफर्केट ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, रादर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. ठीक है. एंड इफ द कंट्रोल इज विद द पब्लिक, विद द प्राइवेट सेक्टर, यू नो दैट विल बी नेम्ड एज अ प्राइवेट सेक्टर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बिजनेस, क्लब्स एंड ऑल दैट हो सकता है. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है. पब्लिक सेक्टर में आ जाइए, थोड़ा सा लिखेंगे बेटे बस लास्ट स्लाइड है, ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है. यकीन मानिए इफ यू राइट डाउन प्रिपेयर दीज हैंड रिटन नोट्स, यू विल बी मोर कंफर्टेबल एट द टाइम ऑफ रिविजन एंड यू कैन प्रिपेयर यूर ओन फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स. कैपलन से आप माइंड मैप्स देख सकते हैं, बट अगर आपने अपने हाथ से, अपने हैंड से प्रिपेयर किया है, दैट विल बी मोर यू नो कैची फॉर योर आइज. तो प्लीज राइट डाउन दीज नोट्स. पब्लिक सेक्टर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज. पॉलिसी, पुलिस, आई विल से पुलिस, दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, पुलिस. मिलिट्री, पब्लिक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो इन आर दिल्ली, एजुकेशन, प्राइमरी, हेल्थ केयर, ऑल दीज आर नेम्ड एज पब्लिक सेक्टर्स. प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए. प्रॉफिट एज द ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव. सो विद इन प्राइवेट सेक्टर वी कैन हैव यू नो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. These are commercial organizations and these are not for profitable. They are run by public. All types of businesses. So we have discussed public sector and private sector.
Now we'll be discussing with the MCQs ki bhai actually what is the difference between this public sector and private sector. Abhi dekhte hain. Last point which I want to discuss is that is cooperatives. You might have heard aap sabne cooperative society ka naam suna hoga. Housing cooperative society, which is meant for those members. That the objective is not to earn the profit, rather to share that, you know, benefit among all the members. All members have same right. All members are equal. Sab members equal hote hain. Jaise ek housing society, aapke area mein housing society hogi. Aisa nahi hai ki kisi ka bada ghar hai, to usko uski uske paas right jyada hogi. Every one residential unit will have one vote. Equal vote. We all are equal. And that society is meant for that members. And the benefit will be distributed among members. That is named as cooperative. So please likhe. Organizations that are owned and controlled. Write down. Owned and controlled. Owned and controlled by their members. That is important. Each member usually gets a single vote to meet the needs of the members. Now it has been meant, for example, housing society is to give a residential unit to all the members. That is the objective of that housing society. So to meet the needs of those members, so that can be named as a cooperative. So let's start. You know, I have discussed with the concepts. Now let me revise it, and then we will move to MCQs. Public organizations हमने discuss कर लिया है. Military, public transport, business, many schools. Question number 3 में आ रहा है सीधा ही. Many schools run fundraising events such as this, where the intention is to make a profit. This makes them profit seeking. Is this statement true or false? एक बार दोबारा से पढ़ें. Actual profit earn karna is not a benchmark. We have to see whether the objective is to earn profit or not. In this case, the school is no doubt has don't have the objective to earn profit, but actually they can earn profit. That is immaterial. So this is this statement false or true? Many schools run fundraising activities such as this, whereas the intention is to make a profit. Where the intention is to make the profit, this makes them profit making in this statement. Now please tell me whether it makes them profit making in this statement. This is question number 3. So I have written the answers here at the end. B. It means no, but the objective is not to earn the profit, hence they will not be regarded as profit making. So false. So we have discussed not-for-profit organizations, a non-government organization in which does not have profit as its primary goal. Okay. And it does not directly link with the, so there are two conditions, not the profit as objective and not directly linked with government. ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं. रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रीडिंग, मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली सीन एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज, वेदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? टू मेंटेन, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड टू मेक अ प्रॉफिट. To make a profit. Now when they make a profit, then automatically wealth will be maximized. Wealth कैसे maximize होगी? जब एक company profit earn कर रही होगी और profit से उसका market value बढ़ जाएगा और market value से automatically wealth बढ़ जाएगा, तो profit is a step 1 and wealth maximization is step number 3. तो the objective is to maximize the wealth. Sentiments को improve करना. It is not just to earn profit. That cannot be the objective. And to protect the environment. So first and second statement are correct. So I think D, question number 4th, D is the answer. And I have written all the answers below this slide. So you can see question number 4th, D is the answer. It means to maximize profits
as well as to save the environment. That is the objective. Okay, which of the following organizations is most likely to be classified as part of public sector? We have just discussed those sectors which are being controlled by government. Profit is not the criteria, rather the control part is more important. Okay, a charity, it is not being controlled by government. Okay, a social club, again it is not being controlled by government, it is a private sector. A school, it is controlled by generally by government. A public limited company, it is not being controlled by a government. So C part, a school is considered as a public sector and all other are private sectors. Then we have discussed not-for-profit organizations, NGOs, sectors in which organization operate. A further difference between organization is the market in which this agriculture. So you can see in this bird's eye view, I have prepared this graph. Now question number 6, which of the following is not a benefit that organizations have over individuals? Question number 6, please read it carefully. Ek baar dhyan se padhe question number 6 ko. Which of the following is not a benefit that organization have over individuals? They allow the sharing skill and knowledge. Organizations allow skill. These are the benefits of an organization. They enable people to perform tasks that would be unable to achieve on their own. Yes, organizations have this benefit. Okay. They enable synergy to be achieved. Yes, when we work in group, synergy is being there. They speed up the time taken to make decisions. No, generally sometimes, because we are working in a group, we are working in a social environment, we are working in a collective group of people, sometimes it may be possible that decisions become defer, So A, B, C are the correct benefits of an organization, but D part is not a benefit of an organization. It is rather a demerit of an organization that sometimes the decisions may differ due to so many reasons. Okay. Question number 7. Mr. Bunty is an independent environmental charity set up to lobby the government for improved environmental regulations as business. What type of organization Mr. Bunty likely to classified as? It is very simple, because it is not being owned by government, so it is not a public sector, it is not a cooperative also. Okay, so within private sector we can have sole trader, we can have partnership, we can have private limited, we can have public limited, we can have charities, we can have clubs, we can have NGOs. So let's see, public sector, cooperative, it is not a cooperative, it is not a commercial, it is not a public sector because it is not being controlled by government, so it is not a public sector. Cooperative, it is not meant for the members. Commercial, the profit objective is not there. So non-government, NGO. So this option is best. Which of the following statement regarding type of business is correct? Question number 8. Partnerships are owned and run by one or more people. Yes, partnership are run and owned by one or more people, as this is the only merit as compared to sole owners. Private limited companies can sell shares to the public. No. Private limited, they cannot sell their shares to the public. Okay. Shareholders in companies typically have limited liability. Yes, we have to say, we have to find out that partnerships are owned and run by one or more people. Partnership is not being run by one people. It has to be more than one people. So statement A is not correct. Statement B is not correct. But statement C is correct, because they are the case of limited liability organizations. When I say limited liability organization, owners, the shareholders, their liability is limited up to the maximum amount of face value of that share. So C is correct. The owner of the sole trader typically have limited liability. No. The owner of the sole trader has an unlimited liability. This is a demerit. Because of that reason only they are converted. They should be converted to partnerships, or rather to limited liability partnerships. So like this, my dear friends, I have covered, we have discussed with the non-government organizations, Wikipedia,
And what I mean by cooperatives, a cooperative is also known as association of persons voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and this. Cooperatives may include this. तो हमने आज चैप्टर वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पांचों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं. हमने इनमें लॉजिक्स को समझा, एग्जांपल्स भी लिखे और अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए. उसके बाद पीपीटी से रिवाइज किया और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया. अब बेटे एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें मैं आपकी वर्क बुक से पूरे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ऑल एमसीक्यूज आई विल बी डिस्कसिंग, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ आप लेक्चर वन और लेक्चर टू को एक बार रिवाइज कर लें और एक बार वो क्वेश्चंस जो वर्क बुक के हैं, यू नो एग्जामिनेशन किट, उसको एक बार जस्ट गो थ्रू सो दैट व्हेन वी डिस्कस तो आप हम थोड़ा स्पीडली करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा. तो बेसिकली बड़ा ईजी चैप्टर था चैप्टर वन, वेरी ईजी. बेसिकली वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, what are the benefits of organization, what are the types of organization and all that related things. Be happy, be jolly, be cheerful.